फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ने अंडरग्राउंड मेथड, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने ओवरहेड लाइन, ठीक है। ये कौन सी होगी? अंडरग्राउंड लाइन, ओवरहेड लाइन। इसके पहले तो क्या था? ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में क्या थे? कोण थे, ठीक है। अरेस्टर बताया, इंसुलेटर बताया, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी क्या? अंडरग्राउंड लाइन। लेकिन ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड में किसमें आता है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। किस लाइन में ट्रांसमिशन करते हैं और किस लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसकी डायग्राम है अभी? अंडरग्राउंड केबल की। लेकिन कल मैंने क्या बोला था? लाइटिंग कंडक्टर एक्चुअल रहता है। इसके पहले हम देख लेते हैं लाइटिंग कंडक्टर एक कॉपर की प्लेट रहती है, ठीक है। कॉपर की प्लेट रहती है, वो कहाँ पे बैठते हैं? वो एक बोल रहता है ऊपर है, कॉपर की प्लेट रहती है। ऊपर से क्या होता है फिर? ये क्या पे घोड़ा रहता है, ठीक है। वहां से क्या होता है? इसका जो वायर रहता है वहां पे वो उसमें जमीन के थ्रू उसको अर्थिंग दी जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने? अंडरग्राउंड मेथड में क्या रहता है? एक केबल है, एक ट्यूब यूज करते हैं अंडरग्राउंड मेथड में। केबल क्यों बोलते हैं? जो ओवरहेड लाइन का ट्रांसमिशन लाइन में अंडरग्राउंड मेथड को यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सिटी में ज्यादा रश की वजह से और जो नेचर है सिटी में जो नेचर रहता है वो ओवर टाइम रहने के कारण क्या होगा? दिखने के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अंडरग्राउंड रहेगा तो क्या होगा? हमारे को सेफ्टी भी रहेगा, सेफ्टी भी रहेगी और अच्छे भी दिखेंगे। इसलिए क्या होता है? अंडरग्राउंड केबल तो हम मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में कौन सा केबल रहता है? आर्म केबल। इसको क्या बोलते हैं? आर्म केबल, ठीक है। आर्म केबल में उसके फीचर्स क्या दे देंगे? ये देखो, ठीक है। पहले क्या रहता है उसमें? सर्विंग रहता है, ठीक है। ये क्या होगा? सर्विंग ऊपर से जो रहता है। उसके बाद क्या रहता है? सीटिंग, ठीक है। लेकिन इसको क्या, इसको ऐसे नाम दिए वो भी बताएंगे, सच सीटिंग क्यों बोला वो भी बताएंगे। उसके बाद क्या लगा है? आर्मिंग। आर्मिंग क्या है? उसके बाद डेड स्विच। उसके बाद क्या है? बेल्ट इंसुलेशन। उसके बाद कोर इंसुलेशन, कोर में इंसुलेशन। उसके बाद कोर कंडक्टर। तो ये तो कोर कंडक्टर है। कोर कंडक्टर किसका बना रहता है? एल्यूमिनियम नहीं तो कॉपर का, ठीक है। हम मोस्टली आर्म केबल में कौन सा लिखते हैं? एल्यूमिनियम का लिखते हैं, क्योंकि उसकी लो कॉस्ट रहती है, ठीक है। उसकी क्या रहती है? लो कॉस्ट रहती है। कोर मतलब क्या? एक्चुअली कोर मतलब क्या है? एक कंडक्टर है, उसमें जब अंडरग्राउंड मेजर में कोर देखे तो कोर मतलब क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक है। कोर किसको बोलते हैं? जो केबल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जो केबल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जो कंडक्टर केबल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है।
तो कोर कितने टाइप के रहते हैं? वन कोर, टू कोर, थ्री कोर टाइप, फोर कोर टाइप, और एक रहता है साढ़े तीन कोर टाइप, ठीक है, थ्री एंड हाफ, ये लिखते जाओ। पहले क्या बोला, कोर में कितने प्रकार, कोर कितने प्रकार के बनाए थे? वन कोर, टू कोर, थ्री कोर, फोर कोर लेयर और साढ़े तीन कोर टाइप। साढ़े तीन कोर का मतलब क्या है? थ्री कोर बड़े रहते हैं और उसका, और जो चौथा कोर रहता है वो क्या रहता है? छोटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? साढ़े तीन कोर, ठीक है। लेकिन ये किसके रहते हैं? एल्यूमिनियम के रहते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया अंडरग्राउंड केबल में कौन सा केबल का नाम रहता है? आर केबल। फिलहाल कौन सा चल रहा है? आर वर्ड केबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कोर कैसे रहता है? एक तो बड़ा कोर रहेगा, नहीं तो मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर कलेक्ट करके एक कोर बना रहता है। यानी ऐसे कि एक दो तीन के सब मान लो तीन कोर है, तीन कोर में क्या होता है? एक मान लो पूरा एक ऐसा पूरा एक कंडक्टर है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर है। लेकिन इसमें क्या होगा? एक ही कोर, इसको क्या है बोलते हैं? एक ही कोर में गिना जाता है, लेकिन क्या है? मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर है। जैसे हम घरों में देखते हैं, उसमें एक वन वन अठारह का वायर आता है, थ्री बाय अठारह का आता है, ठीक है। तो ऐसे ए रहते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया? कोर हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे कोर इंसुलेशन। कोर इंसुलेशन क्यों लगाते? क्योंकि कंडक्टर पर इंसुलेशन लगेगा क्या होगा? करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेशन क्या करता है? इंसुलेशन करते हैं रेजिस्टिव का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं? कौन सा करते यूज? इम्प्रीगनेट इम्प्रीगनेट पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या और कौन सा करते हैं? पीवीसी करते हैं। पीवीसी, पीवीसी का काम क्या है? पीवीसी करते हैं और एक बीआईआर वल्क नाइट इंडियन रबर, ठीक है। बीआईआर को क्या बोलते हैं? वल्क नाइट। इसका लॉन्ग फुल फॉर्म क्या है? वल्क नाइट इंडियन रबर और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन हम यूज करते हैं। इसमें आर्मर केबल में इतना है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखने का, ठीक है। क्या होगा? इंसुलेशन। उसके बाद क्या है? शीथिंग है। शीथिंग को क्या बोलते हैं? शीथिंग यानी क्या होता है? जो मल्टी इसमें कोर कलेक्ट करते हैं, जो कोर मल्टी इसमें कलेक्ट करके जो मटेरियल बनता है उसको क्या बोलते हैं? शीथिंग बोलते हैं। जो कोर मल्टी पर्पज में ऐड होते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, वो मटेरियल बनते हैं, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? हम शीथिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? कोर का संरक्षण होता है। कौन से कोर का? एक कोर का, ठीक है। इसके वजह से शीथिंग का जैसे क्या होता है? क्योंकि कोर बहुत अंदर हो गया, अभी शीथिंग जब आता है, शीथिंग मटेरियल जब रहता है, जब तब होगा जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होने वाला है वो क्या होता है? अंदर सेफ्टी जैसा रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला था पीवीसी का इंसुलेशन यूज करते, तो शीथिंग में कौन सा
कौन सी सीटिंग किए जाते होंगे, पीवीसी की सीटिंग किए जाते होंगे, ठीक है। पीवीसी की पीवीसी जब पीवीसी इंसुलेशन यूज करते थे तब सीटिंग कौन से प्रकार की रहती है, पीवीसी टाइप की रहती है, ठीक है। और जब बाकी इंसुलेशन बोला था मैंने तब शीशा शीशा यूज करते हैं सीटिंग के लिए, ठीक है। तो क्यों बोला मैंने शीशा, क्योंकि ये कंडक्टर को कंडक्टर का संरक्षण करता है, कौन सीटिंग, ठीक है। तो सीटिंग क्या रहता है, मल्टी स्टैंडर्ड कोर का एक मटेरियल बना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्मिंग, ये वाला अभी क्या हो गया, सीटिंग हो गया, कोर कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन हो गया। इसके बाद आर्मिंग, अभी देखो केबल में क्या दिख रहा है, आर्मिंग, आर्मिंग क्या रहता है होगा, आर्मिंग क्या रहता होगा, जो मैकेनिकल लॉस होता है वो लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, आर्मिंग, ठीक है। आर्मिंग किसकी बनी होती है, जीआई की, ठीक है। जीआई को थिन एनएफ जो पट्टी रहती है, ठीक है, लेमिनेट पट्टी रहती है, उसको क्या, उसकी वजह से क्या होता है, जीआई की आर्मिंग बनी होती है, उसके क्या होता है, मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। और देख, जब देखो हम कंडक्टर एक केबल में से कंडक्टर निकलते हैं, कोर कंडक्टर निकलते हैं, तब इसमें से क्या निकलते हैं, जीआई के बारीक बारीक तार निकलते हैं। तो बारीक बारीक तार को ये क्या बोलते हैं, आर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसे बारीक बारीक तार निकलते एल्यूमिनियम के कलर सिल्वर कलर जैसे दिखते वो क्या है, आर्मिंग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आर्मिंग। आर्मिंग क्या करता है, जो केबल को कभी कभी केबल को मार, जब हम करते हैं नाली वगैरह करते तब क्या हो जाए, केबल को उसका लॉस हो सकता है, तब कौन क्या यूज करते हैं, हम आर्मिंग यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कौन सा मटेरियल रहता है, जीआई का मटेरियल रहता है। उसके बाद देखते हैं बेडिंग, वेडिंग एक आर्मिंग का पार्ट है, वेडिंग, ठीक है। वेडिंग, वेडिंग का एक आर्मिंग का पार्ट है। तो वेडिंग क्या करता है, वेडिंग में क्या रहता है, एक तंतुमय मेटल के फाइबर, फाइबर मटेरियल इसमें यूज होता है वेडिंग में। ये भी वही करता है, केबल का संरक्षण ही करता है, लेकिन इसमें कौन सा रहता है, फाइबर मटेरियल रहता है, जैसे जूट, जूट कॉटन, ठीक है, रेशम, इस प्रकार का मटेरियल यूज करके बेडिंग तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन बेडिंग तार नहीं होती है, जब हम पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल, ठीक है, रेशन क्या है, एक प्रकार का टेप है, रेशन टेप, ठीक है। तो कोशिश में करते हैं हम, जब पेपर इंसुलेशन लेड कवर्ड केबल यूज रहता है, इसका इंसुलेशन रहता है, तभी कौन सा मटेरियल करते हैं, बेडिंग करते हैं। आर्मिंग कब यूज करते हैं, जब पीवीसी का रहेगा तब आर्मिंग यूज करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। पीवीसी में बेडिंग यूज होती नहीं है, ठीक है, आप होते हैं पीआईएलसी केबल में बेडिंग यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद है सर्विंग, सर्विंग का मतलब क्या है,
और लास्ट में तो देखो आप थोड़ा एक मिनट, सर्विंग का मतलब क्या है? देखो केबल के बाद क्या दिख रहा है, सर्विंग दिख रहा है। तो सर्विंग में क्या होता होगा, मैंने बोला ना कभी कभी जब डायग्राम में रहते, डायग्राम में कुछ कुछ आंसर रहते हैं, तो क्या है, तो सर्विंग यानी क्या होगा, जो आर्मी के ऊपर जो एशियन टेप का इंसुलेशन रहता है, एशियन टेप का इंसुलेशन यूज करते हैं आर्मी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, हम सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, जब जब क्या आर्मी के ऊपर एशियन टेप का एशियन टेप लगाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, तो सर्विंग कहाँ पे की जाती है, पेपर इंसुलेशन लेट कवर्ड केबल में ही, पेपर इंसुलेट कवर्ड केबल में ही इसका यूज होता है, पीआईएलसी केबल में कि और पीवीसी में नहीं होता इसके, क्योंकि पीवीसी में जो आर्मी रहते हैं उसके ऊपर जंग नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, पीवीसी रहते और लेट क्या रहता है, वो कवर ही रहता है, लेकिन पीआईएलसी केबल में पेपर इंसुलेट करने का मतलब क्या, पानी की वजह से जंग सड़ जाता है आर्मी के ऊपर, इसलिए हमारा केबल खराब हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी सर्विंग करनी पड़ती है। सर्विंग का मतलब मैंने क्या बताया अभी, जो आर्मी के ऊपर हेशन टेप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना, तो ये क्या हो गया, केबल के फीचर्स हो गए। और एक नाम और एक है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब एक नाम आता है स्क्रीन। ठीक है, एक स्क्रीन बोलते उसको, तो क्यों बोल क्यों करते हैं स्क्रीन। ठीक है, जो हाई वोल्टेज रहता है वो हाई वोल्टेज में क्या, हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक का परिणाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का परिणाम न होने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीन मतलब क्या होते हैं, जो मेटल की टेप केबल केबल को लपटते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो मेटल की धातु की टेप क्या केबल को लपटी जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। वो क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का परिणाम न हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का परिणाम नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। और आज हम एक 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 टॉपिक देख लेते हैं, एलटी केबल के प्रकार। अभी क्या होगा, केबल का अंदर के मैंने क्या बताया अभी, केबल के अंदर के जो फीचर है उसका वर्किंग क्या रहता है वो बताया, लेकिन अभी एक प्रकार आज ले लेते, 2 मिनट का है। क्योंकि दो 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 प्रकार में हमारा केबल यूज होता है, एक एलटी में और एक एसटी में, एलटी यानी लो वोल्टेज। आज अब हम क्या देखते हैं, एलटी केबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलटी केबल। ठीक है, तो एलटी केबल क्या है, एलटी केबल क्या है, एलटी केबल में कौन से प्रकार आते हैं, एक आता है वीआईआर केबल, बी आई आर केबल। ये मटेरियल कहाँ पे बनता है, इंडिया में, इसलिए इसका नाम दे दिया है वल्कनाइट इंडियन रबर। इसका पूरा नाम क्या है, वल्कनाइट इंटन इंडियन रबर। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो इंसुलेशन रहता है, वो जो इंसुलेशन इसमें इस केबल में वो कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। तो इसमें वो इसलिए क्या बोला इसको इंडियन रबर, इसमें इसमें और एक मटेरियल इसमें ऐड होता है जिंक, कौन सा, जिंक ऑक्साइड। रेड रेड इस प्रकार के मटेरियल वर्क में इंडियन रबर में मिलाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उसमें कुछ परिणाम होता है, तो वो परिणाम न होने के लिए क्या करते हैं, हम कलई करते। कलई का मतलब क्या है, टिनिंग, इसको टिनिंग बोलते, टिनिंग करते। क्यों करते हैं, जो गंधक बोलते, गंधक उसमें क्या होता है, गंधक क्या होता है, तो कॉपर के इसमें परिणाम होने देता, तो वो कॉपर के इसमें परिणाम न होने के लिए क्या करते हैं, हम कलई करते, कलई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रीनिंग बोलते हैं। तो ये कौन सी लाइन के लिए यूज होता है, एक केबल होता है यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद उसका औद्योगिक क्षेत्र में बोल सकते, ठीक है। इसका यूज अपन जो कारखाना है यानी क्या बोलते कंपनी में भी, ठीक है, कंपनी में यूज कर सकते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज रहता है उसमें यूज करते, ठीक है। इसका और सर्विस कनेक्शन के लिए भी यूज करते इसका। ठीक है, सर्विस कनेक्शन के लिए भी इसका यूज करते। और ये क्या रहता है, फ्लेक्सिबल केबल रहता है, तो इसका इसमें 252 वोल्ट तक इसका यूज कर सकते हैं, इस केबल का। इसको बोलते क्या बोलते हैं, BIR केबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीवीसी केबल, इसमें दो ही केबल आते हैं लो टेंशन में, कौन सा आता है, BIR केबल, एक आता है पीवीसी केबल। इसके बाद पीवीसी केबल देख लेते लास्ट वाला, क्या समझते हैं तो ग्रुप में मैसेज करते जाओ, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया तो ग्रुप में मैसेज करते जाओ। पीवीसी केबल, पीवीसी केबल का एक्चुअली काफी यूज करते हैं। तो ये पीवीसी का मतलब क्या है, इंसुलेशन चढ़ाते हैं, एक डिस्क कंटेनर पर अपन पीवीसी का इंसुलेशन जो उसको क्या बोलते हैं, पीवीसी केबल शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन ये काफी यूज होता है हमारा हाउस वायरिंग में यूज करते हैं इसका। इसके यूज क्या कर सकते हैं, हम हाउस वायरिंग में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और मेरे ख्याल से पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग में भी इसका यूज करते हैं हम। और जो एयरप्लेन में कंट्रोल वायरिंग थी उसमें भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। एयरप्लेन में कंट्रोल वायरिंग होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं, और लास्ट में सिग्नल वायरिंग में भी इसका यूज करते हैं। लेकिन इसके एडवांटेज देखते हैं कैसा रहता है केबल, ठीक है। जो इतना पता चला ना कि आप मुझे, ठीक है। तो एयरप्लेन में क्या होता है, एयरप्लेन में जो सिस्टम रहती है उसमें इसका, इस वायरिंग का यूज करते हैं।
किसका, पीवीसी केबल का, ठीक है। एमए यार ये कौन सा केबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 11 केवी वोल्ट तक इसका यूज कर सकते हैं, कौन से केबल का, पीवीसी केबल का। वैसे तो मैंने उस दिन बताया था 66 केवी तक केबल का यूज है, लेकिन वो एसटीए और एसटी लाइन के लिए थे, लेकिन हम अभी क्या दिख रहे हैं, एलटी दिख रहे हैं। एलटी में क्या होता है, जो पीवीसी केबल होता है वो 11 केवी तक यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज क्या आएगा, एफटी का वो रहता है, या आप लिख लेते पीवीसी केबल का एडवांटेज क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। और क्या आएगा पीवीसी का एडवांटेज, अभी बताया मैंने तो, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें जो गंज है वो क्या, इसके ऊपर गंज नहीं आएगा, क्यों, उसका ऑलरेडी पीवीसी कोटिंग है, ठीक है, पीवीसी इंसुलेशन है उसको। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स के लिए आसानी से हम इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उसके बाद क्या देखेंगे हम, एसटी केबल, ठीक है, चलो, थैंक यू।